नमस्कार, अर्ली पोस्ट जम्मू वासियों के लिए एक ऐसा शो लेके आ रहा है जिसका नाम है जम्मू दी शान। जम्मू दी शान में हम आपको उन कलाकारों से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने जम्मू के साथ साथ जम्मू के डोगरों के साथ साथ पूरे भारत का नाम रोशन किया, और साथ ही हम आपको ले चलेंगे उन जगहों पर जो है हमारे जम्मू दी शान। तो देखना ना भूलिए हर शुक्रवार शाम 7 बजे अर्ली पोस्ट पर। नमस्कार, जम्मू दी शान में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त वरुण मेहरा। पिछले कई एपिसोड में हमने आपको जम्मू दी शान से रूबरू करवाया, लेकिन ये एपिसोड कुछ खास है। इस एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने जम्मू का नाम एक ऐसी बुलंदियों पर पहुंचाया जो कि जम्मू की जनता के लिए एक बहुत ही प्राउड की बात है। इनका जन्म जम्मू में हुआ है, लेकिन इनका नाम जो पूरे भारत में जाना जाता है। आज हमारे साथ देवेंदर जीत सिंह उर्फ पिंटू जी हमारे साथ बने हैं। ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, और आपको बता दूं साल 2003 में इन्होंने एक एनजीओ का जो शुभारंभ किया था जिसका नाम था राम राज नर नारायण सेवा आश्रम ट्रस्ट। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार सर। जिस तरह से आपने 270 जो है हमारे शहीदों की फैमिली को इस बार जो कुंभ स्नान करवाया, सर उसके बारे में भी बता दीजिए और अपनी एनजीओ के बारे में भी थोड़ा बता। सर्वप्रथम आपको सबको बहुत बहुत बधाई है कि हमारे देश के शहीद परिजन वहाँ जाकर के इतना बड़ा भव्य कुंभ मेला देख सकें। और सबसे पहले जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि ये जितना भी जो किया जाता है इसके मुख्य सूत्रधार जो हैं वो संत बालक योगेश्वर दास जी महाराज हैं, जिन्होंने 2003 में तवी में ये प्रारंभ किया था। इस बार का कुंभ मेला इसलिए भी बड़ा ख़ास था कि आप मीडिया के लोग हैं, आपने इसको बहुत अच्छा हाइप दिया था, बहुत अच्छे से पूरे विश्व भर से लोग आए थे। तो महाराज श्री के दिल में भी ये बात आई कि हम लोग भी वहाँ पे अपनी एग्जीबिशन जो है कि इस देश में कैसे लोग रहते हैं जो हंसते हंसते अपने आप को अपने देश पे कुर्बान कर देते हैं, एक ऐसी एग्जीबिशन वहाँ पे दिखाते हैं लोगों को, ऐसे लोगों से रूबरू करवाते हैं। क्योंकि लोग अन्नदान करते हैं, पैसा दान करते हैं, महाराज श्री कहते हैं सोना भी दान किया जा सकता है, भूमि दान की जा सकती है, लेकिन जिन फैमिलियों ने अपने बच्चों का प्राण दान दिया है तो उन फैमिलियों से जो है लोगों को मिलाते हैं। तो इसकी विशेषता यही थी, इन्हीं लोगों को लेकर के हम वहाँ गए थे। सर, 34 प्रोग्राम आपने करवाए हैं, यज्ञ करवाए हैं शहीदों के पर, तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा बता दीजिए। हाँ, ये 2003 में शुरू हुआ था ये जम्मू तवी से। उसके बाद सबसे पहले जो महाराज श्री के कांटेक्ट में आए थे वो थे हमारे मेजर अजय सिंह जसरोटिया, सेना मेडल, जो कारगिल वार में शहीद हुए थे, उनके पेरेंट्स जसरोटिया आंटी और उनके जो अजय के पापा जो रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल VSF थे खुद भी, वो सामने आए। तो उन्होंने महाराज जी के साथ ये थॉट एक्सचेंज किया कि ऐसे ऐसे अज्जू हमारा वहाँ पर शहीद हो गया था। तो आंटी सुनाती हैं कि जब अजय जंग के लिए जा रहे थे तो आंटी ने बोला आज तुम्हारा बर्थडे अजू, तो आप कल चले जाओ। तो अजय बैग उठा करके कहते हैं कि माँ, फौजियों के जन्मदिन नहीं मनाए जाते, कुछ और मनाया जाता है। तो वो कुछ बातें जो थी आपस में जब हम लोग मिले तो वो दिल में कुछ ऐसा हुई कि महाराज जी तो परम तपस्वी हैं जिन्होंने 10 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था और क्रॉलिंग करते हुए बद्रीनाथ गए, फिर सतोपंत की पहाड़ियों में रहे और कई साल 20 वर्ष वहाँ गुजारने के बाद जब वो परिपक्व हो गए, पूर्ण हो गए, तो उन्होंने सोचा कि अपनी तपस्या का जो फल है वो क्यों ना उन लोगों को दिया जाए जो देश की सेवा करते हैं निस्वार्थ, और हंसते हंसते अगर ज़रूरत पड़े तो देश पे कुर्बान हो जाते हैं। तो एक लेमैन लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, जैसे बिल गेट है, वो जब बहुत पैसा हो गया तो उन्होंने सोचा चैरिटी करता हूँ। तो संत के पास जब तपस्या का एक बहुत बड़ा जो उसका वो परिपूर्णता हो जाती है तो वो भी ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ समाज सेवा के लिए अब किया जाए। तो महाराज श्री ने ये प्रोग्राम जो है वो 2003 से जम्मू तवी से शुरू किया। फिर उसके बाद एक प्रोग्राम महाराज श्री ने द्रास में किया था, कारगिल में, इन फ्रंट ऑफ तोलोलिंग एंड टाइगर हिल।
वहाँ पे उस प्रोग्राम की विशेषता ये थी कि उसमें सभी धर्मों की पूजा हुई, वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ करवाए गए, वहाँ कुरान शरीफ की वो जो कुरान खुवानी होती है वो करवाए गए, वहाँ पे बाइबल से प्रेयर करवाई गई और अति विष्णु महायज्ञ करवाया गया, और वहाँ पर वी बी ब्रॉट ऑल द नेक्स्ट ऑफ किन्स ऑफ द ग्रेट मार्टियर्स हु सेक्रीफाइज देयर लाइफ फॉर द नेशन टू सी दैट प्लेस कि कहाँ पे आपके परिजनों ने शहादत दी थी, वो महाराष्ट्री लेके गए थे। जी सर, एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जिस तरह से आपने जो है काफ़ी समय से जो है सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो उसके बारे में बता दीजिए। मेरा एक्सपीरियंस तो ज़्यादा इन्हीं लोगों के साथ रहा, क्योंकि मैं फार्मा सेक्टर से हूँ, तो मैंने जब वो जो जॉब छोड़ा तो उसके बाद मैं इन परिजनों के घरों में जाना शुरू किया, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड सामने आया, क्योंकि जिसके घर में जाएंगे कुछ ना कुछ स्टोरी होगी शहीद की। तो मैं आपके क्वेश्चन को फिर उसी के साथ रिलेट कर रहा हूँ कि सुधीर वालिया साहब सेना मेडल अपना 8 पैराशूट रेजिमेंट के थे, तो जब उनको गोली लगती है तो वो कैसे लोग होते हैं देखिए, तो वो अब सूबेदार की जेब से पेन निकाल करके एक चिट्ठी लिखते हैं माँ को कि माँ तू शेर की माँ है, तूने शेर को जन्म दिया था, मेरे मरने बाद आंसू नहीं बहाना, हो सके तो भगवान से प्रार्थना करना अगले जन्म में फिर तेरी कोख से पैदा होकर के फिर इंडियन आर्मी ज्वाइन करूँ। तो क्योंकि खून लगा था लेटर को, तो अभी कुछ कागज़ काला सा हो गया था, लेकिन यही एक्सपीरियंस है, और इसी एक्सपीरियंस में रह करके मुझे जो अब आगे की जो लाइफ है उसमें अग्रसर होने का बड़ा अच्छा अनुभव हुआ है। और इसके अलावा जो आप पूछ रहे हैं वो ये है कि इससे जो एक एक्सपीरियंस हम लोग पास ऑन करते हैं यंग जनरेशन में कि देखिए ये विक्रम बत्रा हैं, ये सौरभ कालिया हैं, ये सुधीर वालिया साहब हैं, जिन्होंने 22, 24, 25 साल की उम्र में अपनी ज़िंदगी को पूर्ण विराम लगाते हुए अपने देश के ऊपर अपने प्राणों को जो है वो न्यौछावर कर दिया। ठीक है, तो हमारा देश जो है ये विभिन्न संस्कृतियों का देश है, विभिन्न भाषाओं का देश है, ये डेमोक्रेसी की इतनी फाइन एग्जांपल है, यही एक ऐसा देश है जिसमें सब धर्मों के जो है वो फेस्टिवल बड़े चाव से मनाए जाते हैं, बड़े शोक से मनाए जाते हैं। तो हम लोग जो हैं हर धर्मों के बच्चे जो हैं उनको ये मैसेज देते हैं कि अपने देश के इन वीरों को ज़रूर पहचानिए, इनका सम्मान ज़रूर कीजिए। हम स्ट्रांगली ये फील करते हैं कि जितना गंगा जी में जाकर के स्नान करने का महत्व है, उतना ही अगर हम किसी शहीद की माँ के पास जाकर के उस शहीद बच्चे के बारे में अगर हम 5 मिनट बात करते हैं तो उसका उतना ही महत्व है। क्योंकि अगर हमारी गंगा जी आज बेखौफ बहती हैं, यमुना जी को कोई डर नहीं है, सरस्वती जी का संगम है प्रयागराज में, तो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दो सोल्जर हु आर देयर एट द थ्रेशहोल्ड ऑफ द बॉर्डर। आज भी आप देखें जब हम कोट और चाय पीने के लिए और अपने आप को कितने महफूजता से हमने अपने आप को संभाल के रखा हुआ है, आज भी सेशन ग्लेशियर में घुटने तक दबा हुआ है जवान, जिसकी वजह से हम ये सब कर पाते हैं, ये इंटरव्यू कर पाते हैं, ये खुशी, ये गमी, जितना कुछ भी है, दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दो सोल्जर्स। तो क्यों नहीं महाराष्ट्र ने सोचा कि उन्हीं के लिए दुआएँ की जाए, उन्हीं के लिए अपने जितने भी धार्मिक जो है, बेसिकली धर्म को हमने देश के साथ इसको इसका संगठन कर दिया है। सर, जिस तरह से आप फार्मा कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे और आप उस लाइन को छोड़ के एक सोशल एक्टिविस्ट बने, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए किस तरह से ये डिफरेंस मैनेज किया। एक्चुअली फार्मा कंपनी में मैं काफ़ी काम किया हूँ, और मैंने फार्मा से ही अपना कैरियर शुरू किया था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं महाराज जी के उसमें संगत में आया तो मुझे समय कम मिलता था, क्योंकि फार्मा में क्या है कि आपको पूरा जस्टिफाई करना होता है, सेल ओरिएंटेड जॉब है, आपको वो सब आपको टारगेट्स होते हैं, आपको उसको मैच करना होता है, उसको फुलफिल करना होता है। तो महाराष्ट्र ने एक दिन मुझे आग्रह किया कि आप अगर परमानेंट हमारे साथ काम करोगे तो मैं यकीन दिलवाता हूँ कि भगवान की कृपा आप पे होगी और आप जो कमाते हो उससे अच्छा ही कमाओगे। तो उसमें वो अच्छा ही हुआ, वो तब तो देवर सो मेनी बटरफ्लाइज इन माय स्टोमिक कि कैसे कर पाऊँगा, लेकिन वो कहते हैं ना संतों की बात कभी व्यथा जाती नहीं है, तो मैंने वो जॉब छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद तो मैं बड़ा थोड़ी देर के लिए मैं सुन्न सा हो गया था कि अब आगे कैसे होगा, लेकिन हाँ
टाइम इज़ ए ग्रेट लेवलर, महाराज जी की कृपा, संतों की कृपा होती है। मैं अभी उसके जीवन यापन के लिए मैं बड़े अच्छे से, मेरा एक पॉली क्लिनिक है और एक अपनी ही फार्मा कंपनी भी है मार्केटिंग के लिए, जिसके लिए मेरे साथ, वो भी मेरे साथी जो हैं मेरे साथ काम करते हैं। लेकिन अब मेरा जो मुख्य आकर्षण है, जो जो जीने का, जो काम करने का, वो यही शहीद फैमिलीज़ के साथ रहना, इनसे बात करना, इनको लेकर के जाना। 34 प्रोग्राम देश में अभी तक हम लोग इन लोगों को लेकर के कर चुके हैं, 34। इसके अलावा एक प्रोग्राम जो कभी भी हाईलाइट में नहीं आया है वो ये है कि पिछले 22 प्रोग्राम हर साल 31 दिसंबर को हम लोग वृंदावन के पास एक जगह है राधा कुंड, वहाँ पे महाराज श्री 156 टन फ्रूट का भोग लगवाते हैं और उस गांव को, राधा कुंड को पूरा दुल्हन की तरह लाइटों से सजाया जाता है। पूरा ब्रज क्षेत्र, इस्कान के फॉलोअर्स, गौड़िया मठ के फॉलोअर्स पूरे वर्ल्ड से उस इवेंट के दर्शन करने के लिए आते हैं और साथ ही साथ दर्शन करते हैं उन माताओं के, उन बहनों के जिन्होंने देश की खातिर अपने बच्चों का बलिदान दिया है। तो वो भी एक फंक्शन है जो हम लोग देश के लिए करते हैं। अभी नेक्स्ट एक और फंक्शन की जो हमारे चल रही है प्रिपरेशंस, यज्ञ तो हमेशा होने ही हैं, वो पौनी में एक यज्ञ हर साल होता ही है, लेकिन अभी एक वर्ल्ड पीस के लिए महाराष्ट्र की इच्छा है कि हम लोग वर्ल्ड पीस के लिए ऐसा करें। क्यों? क्योंकि संतों की ऐसी सोच रहती है और ये सत्य है कि हमारी सोच के कारण ही उन्नति होती है और सोच ही ऐसी है जिसके कारण विनाश भी होता है जी। तो महर्षि का एक प्रोग्राम है जो हम इसी साल एंड में या नेक्स्ट ईयर ऐसा सोच रहे हैं करने के लिए कि वर्ल्ड पीस के लिए हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हर धर्म के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उसमें कुछ फॉरनर्स हैं, अभी मेरी बात चल रही है यूक्रेन में, स्विट्जरलैंड में और कुछ यूरोप की कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी उनसे भी बात हो रही है। मैं ये चाहता हूँ कि पूरा विश्व जो है इसमें पार्टिसिपेट करे और वो आकर के देखे कि एक संत, एक तपस्वी, एक लंगोटी दान करने वाले संत जो बद्रीनाथ के हैं, संत बालक जोगेश्वर दास जी महाराज, उनकी अगुवाई में पूरा देश कैसे एक मंच के नीचे आता है, एक अम्ब्रेला के नीचे आता है। और हम कोशिश करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, हर धर्म की प्रेयर्स होंगी कि हम लोगों को सद्बुद्धि मिले और हम कंस्ट्रक्टिव की तरफ ज़्यादा ध्यान दे करके डिस्ट्रक्टिव को रोका जाए, ताकि हमारे देश की सीमाएं जो हैं वो सुरक्षित रहें, हमारे वीर सुरक्षित रहें और हमारे ही क्यों, पूरे विश्वभर में जितने भी सोल्जर्स हैं जो अपने देश की रक्षा करने के लिए तत्पर हैं वो सब सुरक्षित रहें, ऐसी नौबत ही ना आए। सर, देश के विभिन्न राज्यों में आपने जो है यज्ञ करवाए हैं, तो कहाँ कहाँ आपने जो करवाए जो हमारे दर्शकों को पता चले? देखो, सबसे बड़ा जो एक आयोजन है वो ये है कि चार कुंभ के मेलों में ये आयोजन करना। तो महाराष्ट्र ने तो 5 ऐसे प्रोग्राम कर दिए हैं। एक नासिक में हुआ था ऐसा प्रोग्राम, यहाँ पर शहीद फैमिलीज को लेकर के हम लोग गए थे। एक उज्जैन में हुआ था महाकुंभ में, वहाँ पर भी सब शहीद फैमिलीज गई थी। हरिद्वार में भी सब शहीद फैमिलीज को लेकर के हम लोग वहाँ पहुँचे थे। इलाहाबाद में ये दूसरी बार है जी। इलाहाबाद में इससे पहले भी हुआ था और 2013 में जब महाकुंभ था वहाँ पर गंगा जी के तट पे ये ऐसा आयोजन हुआ था, वहाँ पे बहुत से शहीद फैमिलीज को लेकर के हम लोग पहुँचे थे। तो इस बार जो अभी रिसेंटली जो कंक्लूड हुआ है, अभी 12-14 दिन ही हुए मुझे जम्मू वापस आए हुए, तो इस बार भी ये प्रोग्राम वहाँ पे पूरे जोरों शोरों से हुआ, पूरे विश्व ने देखा। और सर, यूथ की बात करें, जिस तरह से हमारा यूथ जो है भारतीय सेना जो है ज्वाइन करके जो है भारत का नाम रोशन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे हमारे यूथ भी हैं जो ड्रग्स की तरफ बढ़ रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो क्या मैसेज रहेगा उनको आपका? हाँ, ये बहुत ज़रूरी प्रश्न है। इसके लिए हम लोग हमेशा जहाँ पर भी हमारा प्रोग्राम रहता है हम बात करते हैं और हमारे प्रोग्राम का मेन जो मकसद है वो यही है कि देखो, अगर मैं समझाने किसी गद्दी पे बैठूंगा, महाराज जी ऐसा बोलते हैं, तो समझाने से बात कम समझ आती है, दिखाने से वो जल्दी प्रवेश कर जाती है दिल में।
तो हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं देशभक्ति के, वहाँ पे जितना भी यूथ आता है, सबसे पहले तो वो उसको देख करके मैंने देखा है कि उनकी आँखें गीली हो जाती हैं। उनको मालूम ही नहीं है देशभक्ति की भावना कूट कूट के हमारे नौजवानों में, क्या हमारे बुजुर्गों में, हमारे बच्चों में, हमारे रिटायर्ड आर्मी अफसर्स में भी भरी हुई है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको इस तरफ जोड़ा जाए, उनको इस तरफ जोड़ा जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फीलिंग्स जो हैं वो ट्रांसफ़र की जाएँ, ताकि उनको एक जज्बा पैदा हो। वो कहते हैं ना कि एक सोच जो है, एक जो सोच है वो आदमी की ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल तब्दील कर देती है। तो हम ये समझते हैं कि अगर हम लोग अगर प्रैक्टिकलिटी में उनको दिखा पाएँ कि विक्रम बत्रा साहब जो परमवीर चक्र मिला उस उम्र में, जब वो शहादत प्राप्त करने ही वाले थे, तो अपने कर्नल विक्रम कर्नल जोशी साहब को उन्होंने अपना विक्ट्री सिग्नल देना नहीं बोले, वो कहते ये दिल मांगे मोर, वो जाने से पहले ये कह रहे हैं। तो हमारे देश के ही थे वो भी, हमारे देश के युवा थे, तो हम कौन से रास्ते पे चल रहे हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा, हम कॉलेजेस में भी जाते हैं, हम यहाँ पर हमारा जब नासिक में हुआ, उज्जैन में हुआ, तो हम एक डेढ़ महीना पहले जा करके, और उसके बाद पहले तो हम खुद जाते हैं लोगों को समझाने के लिए कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, तो समझ नहीं आता है। लेकिन जब वो हमारा प्रोग्राम देखते हैं तो वो फिर हमें खुद अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूल्स में बुलाते हैं कि आप सर यहाँ पे आइए, आपका स्वागत करना है, और महाराज जी को लेकर के हम सब लोग वहाँ जाते हैं। तो वो वी आर जस्ट लाइक फैमिली टू ईच अदर नाउ, द यूथ ऑफ यू नो डिफरेंट स्टेट ऑफ आवर कंट्री, दे आर कंटिन्यूसली इन टच विद अस, और हम लोग वी कीप ऑन टॉकिंग टू ईच अदर। और उसमें मुस्लिम्स भी हैं, उसमें क्रिश्चियन भी हैं, सिख यूथ है, उसमें राजपूत है, उसमें सब, क्योंकि ये विभिन्न भाषाओं का देश है, विभिन्न धर्मों का देश है, तो इसमें सभी यूथ जो है वो हमारे साथ हैं। और अभी मज़ेदार बात यह है कि अभी कुछ जैपनीज, कुछ यूक्रेन, कुछ रशिया, यूरोप से भी कुछ लोग हमारे साथ आए हैं कि दिस इज़ द रियल काज जो आप लोग कर रहे हैं। और इसी काज को करते करते मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ कि हम अपने भारत को नशा मुक्त करेंगे। जो ताकतें ये सोचती हैं कि हम इन यूथ में नशा डाल करके इस देश को करप्ट कर देंगे, उनकी ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में आज भी साधु संत जो हैं वो अलग अलग जगहों पर तपस्या करते हैं, और उन्हीं की तपस्या का फलादेश जो है वो हमारे देश को प्राप्त होता है। मैं यकीन दिलवाता हूँ हम लोग, जब तक हम लोग हैं तब तक यही काम करना है, अपने देश की सेवा करनी है, अपने यूथ को रास्ते पे लगाना है। और जो हमारे देश के अमरवीर जवान हैं, जो शहीद हो जाते हैं, या जो देश की सेवा में तत्पर हैं, उनके लिए हमें हमेशा प्रार्थनाएं करनी है, हमें हमेशा अपने कर्तव्य पर अडिग रहना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे जम्मू दी शान, जिन्होंने, बहुत प्राउड फील होता है जब हमारे ही जम्मू में कोई ऐसे लोग हों, जो शख्स हों, जो हमारे जम्मू के साथ साथ भारत का नाम रोशन करते हों। और हमारे भारत को महान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे भारत की धरती पे बहुत सारे वीरों ने जन्म लिया है। वही जम्मू की बात की जाए तो हमारे साथ जो आज मौजूद थे, इन्होंने जम्मू की धरती पर जन्म ली के हमारे जम्मू के डोगरों का नाम रोशन किया है। तो हर शुक्रवार हम आपको इसी तरह जम्मू की शान से हम रूबरू करवाते रहेंगे। तो दीजिए मुझे इजाजत, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त विमल मेहरा। जय हिंद, जय भारत।